कि गुलशने हिंद को सींचा है लहू से अपने, गुलशने हिंद को सींचा है लहू से अपने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे, जिस्म के कितने भी हो जाएं हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। जिस्म के कितने भी हो जाएं हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। दोस्तों आइए इसी मिजाज और इसी तेवर के एक शायर का इस्तकबाल करते हैं, जिसका कलाम सुनकर आप अपने सुकूत की चादर को उतार कर फेंक देंगे। वो शायर का ताल्लुक जलगांव की सरजमी से भी है और शायर का ताल्लुक नांदेड़ से भी है। जनाबे अल्तमस तालिब का इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आपसे गुजारिश करता हूँ जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे अल्तमस तालिब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम हजरात, कलम नूरी में पहली मर्तबा मुशारा पढ़ने आया हूँ और मैं इस मुशारे के इनेकाद के लिए थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ, मैं इस मुशारे के इनेकाद के लिए राजीव जी सातो और डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और एकता के हवाले से चार लाइन पढ़ता हूँ, फिर आपके मिजाज की शायरी सुनाऊँगा। चार लाइन समाप्त कीजिए कि फसादी शर पसंदों के इरादे तोड़ सकता है, क्या कहने, फसादी शर पसंदों के इरादे तोड़ सकता है, मोहब्बत का अमल अपने दिलों को जोड़ सकता है। वाह, अगर हम धार्मिक झगड़े वतन से खत्म कर डालें, क्या कहने, हमारा देश अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, फसादी शर पसंदों के इरादे तोड़ सकता है, क्या कहने, मोहब्बत का अमल अपने दिलों को जोड़ सकता है, अगर हम धार्मिक झगड़े वतन से खत्म कर डालें, हमारा देश अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। और यह चार लाइन समाप्त कीजिए कि खामोशी बुजदिल ना कर डाले तुम्हें, खामोशी बुजदिल ना कर डाले तुम्हें, जब जरूरत हो जबा खोला करो, जी हुजूरी और गुलामी छोड़कर कौम के हक में भी कुछ बोला करो, जी हुजूरी और गुलामी छोड़कर। शुक्रिया। खामोशी बुजदिल ना कर डाले तुम्हें, जब जरूरत हो जबा खोला करो, जी हुजूरी और गुलामी छोड़कर कौम के हक में भी कुछ बोला करो, क्या कहे, कौम के हक में भी कुछ बोला करो। इसी मिजाज के और चार लाइन समाज कीजिए कि दिया बुझा के, दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, जमीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं, दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, जमीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं, जिन्हें बनाते हैं हम लोग रहनुमा अपना, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं। वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, अच्छा अल्तमस तालिब, वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया सुना रहा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, अच्छा है। दोस्तों आप, दोस्तों इस वक्त आपका मुशायरा वाकई बहुत अच्छा चल रहा है और आपको अगर यकीनन मजा आ रहा हो मुशायरे में, तो एक बार यकजा होकर अपनी तालियों से सबूत कीजिए कि आप वाकई मुशायरे का लुत्फ ले रहे हैं। जिंदाबाद, पढ़िए तालिब जी। शुक्रिया हजरात, ऐसी बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, आपकी समातों को मुबारकबाद देता हूँ, पढ़ रहा हूँ ऐसे ही सब मेरे पास। दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, जमीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं, जिन्हें बनाते हैं हम लोग रहनुमा अपना, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते। हजरात अभी जैसे आप सुन रहे थे, थोड़ा सा इधर तवज्जो दें, ध्यान दें, और चार लाइन पढ़ता हूं कि मुकद्दर में आपका हो गया काम, मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा एक दिन, बेशक मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा एक दिन, मगर रास्ता किसी का काटने से कुछ नहीं मिलता, बेशक अगर कुछ मांगना ही हो तो फिर अल्लाह से मांगो, किसी लीडर के तलवे चाटने से कुछ नहीं मिलता, बेशक बेशक। वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, अच्छा है वाकई। दोस्तों आपकी
आपकी आपकी दोस्तों हजरत पढ़ रहा हूँ, आप खामोश बैठे मैं तो पढ़ूंगा। मुकद्दर में जो लिखा है वाह वो सब मिल जाएगा एक दिन, मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा एक दिन बेशक, मगर रास्ता किसी का काटने से कुछ नहीं मिलता बेशक, अगर कुछ मांगना ही हो तो फिर अल्लाह से मांगो बेशक, किसी लीडर के तलवे चाटने से कुछ नहीं मिलता बेशक बेशक वाह, किसी लीडर के तलवे चाटने से कुछ नहीं मिलता जी। मुकद्दर अच्छा। में जो लिखा है जी भाई शुक्रिया शुक्रिया, मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा एक दिन, मगर रास्ता किसी का काटने से कुछ नहीं मिलता, अगर कुछ मांगना ही हो तो फिर अल्लाह से मांगो, किसी लीडर के तलवे चाटने से कुछ नहीं मिलता, किसी लीडर के तलवे चाटने से कुछ नहीं मिलता। और हजरात ये चार लाइन समाप्त कीजिए कि ताज्जुब है हम उन लोगों का इस्तकबाल करते हैं, क्या कहने, ताज्जुब है हम उन लोगों का इस्तकबाल करते हैं हमारे खून से जो हाथ अपने लाल करते हैं, ताज्जुब है हम उन लोगों का इस्तकबाल करते हैं हमारे खून से जो हाथ अपने लाल करते हैं, मुसलमानों की खुशहाली किसी का भी नहीं मकसद, इलेक्शन में इन्हें सब सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बेशक बेशक वाह वाह, अरे भाई अच्छा है वाह 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 वाह। दोस्तों आ जाइए दोस्तों, मगर आप जब बड़ी खूबसूरती के साथ मुशायरा सुन रहे हैं तो अपनी तालियों से अपनी दादो तहसीन से शायर का इस्तकबाल कीजिए, और जो ये बीच बीच में कोई साहब सीटी बजाते हैं इस अमल को ना दोहराएं, इससे आपकी शेर की तहजीब भी खराब होती है और मुझे अंदाजा ये होता है कि कलम नूरी वाले चौकीदारी भी अच्छी करते हैं, तो मैं चाहता ही हूँ कि आगे से इस अमल को ना दोहराया जाए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब अल्तमश तालिब भाई पर। जी हजरात बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, सुनाता हूँ ये समाप्त कीजिए कि हिंदुस्तान में एक मसला चल रहा है गाय के मसले पे, काफी सियासत हो रही है, ये देखिए कि ताबीर चाहतों की बगावत में आ गई, ताबीर चाहतों की बगावत में आ गई, ये कायनात अमन थी दहशत में आ गई बेशक, ताबीर चाहतों की बगावत में आ गई, ये कायनात अमन थी दहशत में आ गई, ये मसला है बैल की खिदमत करेगा कौन, अब गाय माता बनके सियासत में आ गई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, पढ़िए पढ़िए। और हजरात चार लाइन समाप्त कीजिए कि खुदा के माजिद भाई ये देखिए, खुदा के नेक बंदों पर, खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूं मैं, क्या कहने, माजिद भाई ये देखिए चार लाइन, खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूं मैं, इबादत गाह में आकर हिमाकत कर रहा हूँ मैं, वजू में फर्ज है कितने नहीं मालूम है मुझको, मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, जी भाई शुक्रिया, वाह 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 वाह, पढ़ रहा हूँ, खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूँ मैं, इबादत गाह में आकर हिमाकत कर रहा हूँ मैं, क्या कहने, वजू में फर्ज है कितने नहीं मालूम है मुझको, क्या कहने, मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूँ मैं, वाह वाह, मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूँ मैं। चार लाइन तरन्नुम से समाप्त कीजिए, इरशाद अली, दिल्ली की सल्तनत को वजीरों में बांट दी, क्या कहने, वाह वाह, वजीरों में बांट दी, क्या कहने, जो कुछ बची कुची थी अमीरों में बांट दी, क्या कहने, वाह, अमीरों में बांट दी, जितनी जमीन पे तुमने उगाई है खेतियां, जितनी जमीन पे तुमने उगाई है खेतियां,
اتنی زمین تو ہم نے فقیروں میں بانٹی، اتنی زمین تو ہم نے فقیروں میں بانٹ دی۔ دوستو آپ کی خواہشات کا، آپ کی فرمائش کا، فرمائش کی بھی تکمیل کی جناب التمش طالب صاحب نے، اور بڑی ہی دعاؤں سے آپ نے انہیں نوازا۔ ہاں آپ جسے سننا چاہتے ہیں دوستو، اب آپ میری بات بھی سن لیجئے۔ ہاں میں بلاؤں گا، آپ میری بات سن لیجئے۔ دوستو میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک ایک بار آپ ہر شاعر کو سن لیں، اس کے بعد دوسرا دور آئے گا۔ دو شعر سنا دو، آ جائیے التمش صاحب، آئیے آئیے جناب، جناب التمش طالب صاحب مائک پر۔ ابھی والا تحت میں سنا دیتا ہوں۔ دہلی دہلی کی سلطنت کو وزیروں میں بانٹ دی، دہلی کی سلطنت کو وزیروں میں بانٹ دی، جو کچھ بچی کچی تھی امیروں میں بانٹ دی، جتنی زمین پہ تم نے اگائی ہے کھیتیاں، اتنی زمین تو ہم نے فقیروں میں بانٹ دی، اتنی زمین تو ہم نے فقیروں میں بانٹ دی۔ اور چار لائن سماعت کیجیے کہ مسلم عورتوں کو انصاف دینے کی بات ہو رہی تھی، اچھی بات ہے، انصاف دیجئے۔ انصاف دینا ہے تو نجیب کی ماں کو انصاف دیجئے، عشرت جہاں کی ماں کو انصاف دیجئے۔ میں چار لائن پڑھتا ہوں کہ گھر کی دیوار توڑ بیٹھا ہے، گھر کی دیوار توڑ بیٹھا ہے، توڑ بیٹھا ہے، رشتہ غیروں سے جوڑ بیٹھا ہے، بے شک گھر کی دیوار توڑ بیٹھا ہے، رشتہ غیروں سے جوڑ بیٹھا ہے، عورتوں سے ہے اس کو ہمدردی، خود کی بیوی جو چھوڑ بیٹھا۔ اے اے اچھا ہے بھائی، اچھا ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات پڑھ رہا ہوں، بیٹھے گا پڑھ رہا ہوں۔ گھر کی دیوار توڑ بیٹھا ہے، گھر کی دیوار توڑ بیٹھا ہے، رشتہ غیروں سے جوڑ بیٹھا ہے، عورتوں سے ہے اس کو ہمدردی، خود کی بیوی جو چھوڑ بیٹھا ہے، خود کی بیوی جو چھوڑ بیٹھا ہے۔ اسی مزاج کے اور چار لائن سماعت کیجیے کہ دکھاوے کے لیے، دکھاوے کے لیے جانا تیرا بیکار جاتا ہے، دکھاوے کے لیے جانا تیرا بیکار جاتا ہے، صداقت سر اٹھاتی ہے تو جھوٹا ہار جاتا ہے، واہ بھلا انصاف کیا دے گا ہماری ماں بہنوں کو، جو خود کی ماں سے ملنے سال میں ایک بار جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، اچھا ہے بھائی، واہ واہ واہ، شکریہ۔ دکھاوے کے لیے جانا تیرا بیکار جاتا ہے، کیا کہنے، صداقت سر اٹھاتی ہے تو جھوٹا ہار جاتا ہے، بھلا انصاف کیا دے گا ہماری ماں بہنوں کو، جو خود کی ماں سے ملنے سال میں ایک بار جاتا ہے۔ حضرات آپ بڑے اچھے سے سن رہے تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لسٹ کافی طویل ہے، میں چار لائن پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا۔ بہت سارے شعرا یہاں بیٹھے ہیں، ماجد بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں، اردو دنیا کے ایک مایانہ شخصیت، چار لائن پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا کہ تشدد ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے، نبی کو ماننے والے فسادی ہو نہیں سکتے، تشدد ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے، نبی کو ماننے والے فسادی ہو نہیں سکتے، ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے، ہماری قوم میں آتنکوادی ہو نہیں سکتے۔ زندہ باد زندہ باد۔